तो हाय गाइस, मैं जो रेसिपी में आलू यूज कर रही हूँ वो मैंने नए लिए, जो आज मार्केट में नए मिल रहे हैं आलू। इसमें मिट्टी काफी होती है तो इसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि अगर जरा से भी मिट्टी रह गई, क्योंकि हमने इसे बॉईल करना है, तो जो हम बॉईल करते में ये मिट्टी अंदर आलू के चली जाएगी और जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही मतलब बेस्वाद हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ही मैंने जैसे आलू लिया, इसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है पहले। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, इसे जितने अच्छे से आप वॉश करेंगे ना, ये आराम से इजीली उतर जाएगा। तो प्रेशर पानी का ये करके आपने अच्छे से इसे वॉश करना है, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और अब मैं इसे बॉइल कर लूंगी। कुकर में एक सीटी आने के बाद आपने इसे कम कर देना है, क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो परफेक्ट एकदम अच्छे से स्मूथ से होने चाहिए, ताकि जब हम इसके अपने बॉल्स बनाएंगे तो वो एकदम अच्छे से परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने वॉश करके मैं इसे कुकर पे प्रेशर करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस हमारे जो हमने आप बॉइल कर लिए आलू, और बस इनको हमने छीलना है। ठीक है, और छील के फिर हमने इनको बनाना है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने इसे बेसिन में ही डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से जिसकी मतलब गर्माहट है वो कम हो जाए। और अब हम इसे आलूओं को छील लेते हैं और छील के अपने इसमें प्लेट में कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए, जब तक हम ये आलू छीलें जब तक हम और अपना तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस ऐसे ही आपने एक एक करके आलू अपने छील के प्लेट में डिस आउट कर लेना है, इसमें रख लेना है, और उसके बाद हम जब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ना जो इसमें जो मतलब टेस्ट आता है मसाले का, वो है जीरे का खासकर। तो अब हम जीरा जो है वो तवे पे फ्राई करेंगे। जब भी आप अगर कोई भी बनाते हैं ना, तो अगर आप जीरे का फ्लेवर करते हैं तो बहुत यम्मी स्वाद आता है। इसे हमें धीमी आंच पे ही भुनना है ना, क्रम्स बनाने हैं जो, तो वो हम घर में जो हमारी जो ये वाली ब्रेड है ये बच जाती है, ये बच जाती है, तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे हमें देखिए, मैंने ये ली है ब्रेड्स जो मेरे घर में बच गई थी, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और बस इसे हमने क्या करना है, मिक्सी जार में डाल देना है और ग्राइंड कर लेना है, तो हमारा ऑटोमेटिक जो ब्रेड क्रम्स है वो बन जाएगा। बस आप इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, तोड़ लीजिए इस तरी, मतलब आराम से कोई भी वो कर सकते हो, आप आराम से घर पे ये इजिली बना सकते हो। बस इसे छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लीजिए, ये हो गया हमारे छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, और बस ये देखिए, ये सारे हमने तोड़ लिए हैं और इसे अब हम डालेंगे जार में, मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जो हमें ऊपर से इसकी लेयर लगानी है अपने किसी भी चीज में, सैंडविच में बनाना है, या फिर हमने पकोड़े बना रहे हैं या रोल्स बना रहे हैं, तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, एकदम इजी वे है, और ये आपकी जो ब्रेड है वेस्ट भी नहीं होगी। तो मैंने ये सारा जो है, जितनी भी टूटी ब्रेड कर ली थी, कट कर लिए थे, उन्हें को मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया है, और बस अब मैं इसे ग्राइंड करती हूँ और ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने क्रम्स जो ब्रेड का था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये मैंने आधा करा है, आधा अब मैं फिर से करता हूँ, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा से हो गया ये पूरा, मतलब देख सकते हो दानेदार हो गया। और अब हमने जो ये बाकी की ब्रेड है इसको भी हम इसमें डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बाकी के जो बची ब्रेड थे फ्रेंड्स, वो भी मैंने इसमें डाल लिए, और इसको भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं, तो करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस दूसरी भी हो चुकी है, और ये देखिए हमने सारी पीस के इसको ऐसे ही रख लिया है, तो ये हमारा जब हम कोई भी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट हुई है ये हमारी। तो चलो फ्रेंड्स आगे बनाते हैं। तो गाइस मैं जो जीरा है वो तवे पे भून रही हूँ, बस हमें इसे धीमी आंच पे ऐसे करना है और इसे जलाना नहीं है, आराम से हमने ऐसे भूनना है, ताकि जब हम अपने रोल्स में इसको भुना हुआ जीरा का मसाला डालते हैं ना, तो इसका फ्लेवर दुगना हो जाता है। बस इसे हल्का सा हमें भूनना है, जब ये भुन जाएगा तो इसे हम इजीली ग्राइंड कर सकते हैं, तो आराम से आप पीस सकते हो। और इसकी खुशबू आने लग गई है, तो यानी कि जब खुशबू आने लगे यानी कि ये तैयार है। तो गाइस अब हमारा जो जीरा है ऑलमोस्ट भुनने वाला है, इसे अब हम पीस लेंगे।
तो गाइस ये मैंने जीरा भून लिया है और अब मैं सारा इस पे स्प्रिंकल करूंगी। पहले जो हमने आलू लिए हैं, आलू में हमने सबसे पहले ये देखो हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। फिर धनिया लिया है, ग्रीन धनिया, ठीक है, जो कि बहुत ही आजकल फ्रेश मिलता है एकदम, ठीक है। और ये मैंने लिए है अनियन, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डालना है। अब हम डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, और चारों तरफ हमने इसे स्प्रिंकल कर लेना है। और फिर हमने इसमें डालना है जीरा, डाल लिया हमने, और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे चारों तरफ। और अब हमने इसमें डालना है, और अब हमने डालना है मिर्च पाउडर, चारों तरफ हमने इसके मिर्च पाउडर फैलाना है, ठीक है। तो गाइस ये सारा मसाला हमारा जा चुका है। अब जो मेन हमारा है इसे अच्छे से मैश करना है, चाहे तो आप हाथ की मदद से कर सकते हो, चाहे जो मैशर्स होते हैं उसकी हेल्प से कर लो। फिलहाल मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, तो इसे मैश करेंगे अच्छे से हम। तो देखिए गाइस हमें परफेक्ट अच्छे से मैश करना है। हमने आलू थोड़ा ज्यादा ही मतलब सीटी लगाई है, विसल लगाई है इसमें, ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छे से पके। और बस इसे हमने मैश करना है और अच्छे से सारा मिक्सचर मैश करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अब हमने देखो अच्छे से मैश कर लिया, मसाला मिल चुका है, अनियन धनिया सब कुछ मिल चुकी है। अब हमने इसमें जो मेन हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्न स्टार्च, तो हमें इसमें कॉर्न स्टार्च डालना है। और इसके बाद इसको खूब अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस टाइप से, हमें इसे खूब अच्छे से मैश करना है। तो हम इसको पूरा अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो आलू है और ये कॉर्न स्टार्च है वो मिल जाए। तो गाइस ये देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको इसके साथ मिक्स कर लिया है। बस अब हमने क्या करना है कि ये सारा मतलब जो कॉर्न स्टार्च के साथ मैच हो गया अच्छे से, मक्की जैसे लगाते हैं उस टाइप का बना लेना है। अब हमने इसके रोल्स बनानी है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमने इसके एक रोल करके बना लिया, इसे रखते जाएंगे, अब हम दूसरा बनाएंगे। ऑलमोस्ट हमने सारे बना लिए, बस ये दिखाने के लिए है आपको। तो बस ऐसे करके रोल बना के आप ये रखते जाइए एक साइड, और बस ये लास्ट वाला भी हम बना लेते हैं। तो गाइस उसी जिसमें हमने आलू अपने किए थे उसी में हमने फिर से कॉर्न स्टार्च डाला है, और इसमें हम पानी से इसको एक पतला लिक्विड सा, वो बोलते हैं ना जैसे टेक्सचर देने के लिए बनाएंगे, एक लिक्विड बनाएंगे। तो चलो बना लेते हैं। अब मैंने ये लिया है, अब इसे पानी से हमने अच्छे से मैश करना है। मिक्स कर लीजिए चारों तरफ ताकि हम एक पतली सी एक जो बोलते हैं ना, ये देखिए ये बन गई हमारी, डिप करने के लिए है हमारी, बस पतला सा हमने करते जाना है। तो बस ये हमने थिक पतली सी ये बना ली है, और बस अब हम अपने जो हमने ये रोल्स बनाए हैं इसमें रखेंगे और इसको चारों तरफ रोल करेंगे इसमें, ये देख रहे हैं आप। और जो हमने सारों को ऐसे करते जाएंगे, ये हमने अपने जो ब्रेड क्रम किए थे इसमें डालेंगे और इसको चारों तरफ इसके साथ लपेटेंगे ऐसे। और गाइस ये देखिए हमारा कितना अच्छे से बन गया है, ऐसे हम सारे कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमने तैयार कर लिए सारे ऑलमोस्ट। अब आपने जो बाकी की बची है वो भी कर रहे हैं हम, ये देखिए बस ऐसे करके आपने इसे थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए रखना है, परफेक्ट है ये एकदम। और ये हम रखते जाएंगे और आप इसे फ्राई करते हैं। तो गाइस देखिए कितनी अच्छी लग रही है, परफेक्ट जैसे कि जो हमें चाहिए थी वैसे ही है। बस ऊपर से हमने इसे कोट कर लिया एक बार ही, ठीक है, उसके बाद बस डिप करके ये कर रहे हैं हम, और ऐसे करके बस रखते जाना है। तो गाइस मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और मैं इसे एक अच्छे से गरम करके फिर हम इसमें फ्राई करेंगे अपनी। तो फ्रेंड्स होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है हमारा, अब हम तेल डालते तेल में अपने जो रोल्स है वो डालते हैं। और गाइस इसे ना ज्यादा ऑयल में नहीं करना है, मतलब हाफ उसमें ही करना है, ताकि जब इसका जो क्रंचनेस है वो बहुत अच्छा परफेक्ट आता है। और बस आपने ऐसे डिप करके इन्हें सारे चारों तरफ से फ्राई करना है।
राइस। ये मैंने एक साइड से इसे पलट दिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया और काफी अच्छा से क्रंची हुआ है ये। बस इसे ऐसे करके चारों तरफ से हमने फ्राई कर लेना है। तो गाइस ये देखिए परफेक्ट हो चुके हैं हमारे, चारों तरफ से सिक चुके हैं। जो नहीं सीखे हैं आप उसको ऐसे करके रोल कर दीजिए और ये देखिए क्रंचनेस परफेक्ट है एकदम। और बस अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस हमारी जो एक हमने है वो निकाल ली है और आप ये देख सकते हैं कितना आवाज आ रही है क्रंचनेस चारों में, आप देख सकते हैं और एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। और इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलो मैं आपको चटनी भी बता देती हूँ कि कैसे हमने चटनी बनाई है। तो चलो गाइस, तो गाइस जो अब हमने चटनी बनानी है उसके लिए हमने जो चीजें ली हैं वो देख लेते हैं। धनिया ले लिया है मैंने, दो हरी मिर्ची ली हैं और ये दो बड़ी लाल मिर्च, ये वैसे कलर काफी अच्छा देती हैं। और ये मैंने लहसुन की तीन कलियां, टमाटो लिया है एक आंवला लिया है, पुदीना लिया है और हम इसमें सॉल्ट लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिलहाल मैं इसे कट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने सारी चीजें कट कर ली है आप, उसके बाद अब हम इसे मिक्सी जार में करना है। तो अब हम एक बार डाल लेते हैं। तो गाइस मैंने जिसमें ब्रेड करे थे ना क्रम्स, उसी में ही मैं दोबारा से चटनी पीस रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, ठीक है, और सॉल्ट डाल दिया है। अब फिलहाल हम ऐसे करके बनाएंगे। तो गाइस देखिए हमारी जो चटनी है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप काफी अच्छा कलर आया है और सारा कुछ टेक्सचर वगैरह एकदम परफेक्ट है। तो चलो प्लेटेड करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी जो आपकी ब्रेकफास्ट है वो रेडी है, आप परफेक्ट इसे खाइए, सबको खिलाइए। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट है और क्रंचनेस देख सकते हैं, देखते ही बन रही है। और प्लस देखिए अंदर का जो परफेक्ट है एकदम। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये देखिए इसका टेक्सचर और चटनी के साथ खा के देखते हैं, परफेक्ट क्रंचनेस की आवाज सुन रहे हैं आप, वाव गजब। तो फ्रेंड्स होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पिक सा थम्स अप जरूर दीजिए।